नमस्कार जी, ओम शांति, ओम शांति। काफी लोग बोलते हैं सर हमारा जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी में हमारा प्रमोशन नहीं मिल रहा है या बिजनेस नहीं चल पा रहा। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसी एक अच्छी उपाय जो आपके जॉब में बिजनेस में आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या सरकारी पद पर पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या राजनीति के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। और अगर आप भी चाहते हैं मुझे देखें और सम्मान करें समाज में, कहीं ना कहीं लोगों को होता है ना कि लोग मुझे भी देखें, मेरा भी रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान हो, लोग हमें भी रिस्पेक्ट करें, या आपकी गरिमा को, जो आपकी क्वालिटी उसको लोग बना रहे, तो समाज में मेरी भी अलग गरिमा और छवि हो, तो स्पेशल यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में कुछ ऐसा सरल उपाय बताएंगे जो जीवन में सारी सुख को प्रदान करके और आपके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि आपको देगा। बोलते हैं ना कि इससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी काफी लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा कर दे, कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज अभी आप सब्सक्राइब करके बेल को आई पे सेट कर दे ताकि जब भी हमारा वीडियो आप तक पहुंच कर। कहते हैं कि ज्योतिष का एक सामान्य सूत्र है कि यश कीर्ति देने वाला, सरकारी पद देने वाला, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स में काफ़ी लोग राजनीतिक में भी होते हैं, उसमें भी जोड़ने वाला, इन सब का जो मालिक ग्रह है कौन सा है आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं वो ग्रह सूर्य, सन। और अगर आप अपने सूर्य को अगर मजबूत कर लेते हैं, सूर्य के अंदर इतनी तेज इतनी गर्मी है कि सारे विकारों को, चीज़ों को जला के भस्म करता है। अगर सूर्य को आप मजबूत करते हैं तो आप भी सरकारी पद पे आसानी से जा सकते हैं। सूर्य के अंदर इतना पावर है, सन की रेबड़ी। आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, आप समझिएगा, बहुत ही कारगर। सबसे पहला होता है जो आपको प्रातः सुबह उठकर, प्रातः काल उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर, उठते हुए सूर्य को, उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। उसके साथ क्या करना है, लाल फूल के साथ आप जल दे सकते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर गुड़ डालिए, थोड़ी उसके अंदर कुमकुम डालिए, एक पहला रेमेडी है। सुबह आपको उठने पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय से पहले उठ के सूर्य को जल देना होगा। दूसरा है, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए, संवाद करें और सूर्य पर्वत मजबूत होगा। संवाद करें मतलब क्या होगा कि अपने पिता के साथ बातचीत करें, अच्छे संबंध बना। अगर पिता के साथ रह रहे हैं तो उनके डेली चरण स्पर्श करें, पैर छूके प्रणाम करें। अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो सुबह उठते के साथ पिता को एक कॉल पे आशीर्वाद दें। तीसरा रेमेडीज का है, एक तेज पत्ता जो किचन में रहती मिलती है उससे लेना और हरे रंग के कपड़े में लपेट कर अपने जेब या पर्स में भी रख सकते हैं। तेज पत्ता ले, ग्रीन कपड़ा छोटा सा ले ले और उसको, तेज पत्ता को ग्रीन कपड़े से लपेट के अपने पर्स में रख। चौथा रेमेडीज है, आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ। आदित्य हृदय स्रोत एक आता है, आप यूट्यूब बहुत आसानी से मिल जाएगा, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, बुक ले सकते हैं या इस मंत्र का, इस पाठ का आप सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, बहुत ही पावरफुल और अचूक उपाय है। पांचवा और उपाय सुन लीजिए, लाल और सफेद गाय को आप संडे के दिन आलू साग गुड़ चना या गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं या हरा चीज भी खिला सकते हैं। किस दिन कैसे खिलाना, लाल और सफेद गाय मिलता है तो ज्यादा अच्छा। इसके साथ साथ और भी रेमेडीज है जो आप कर सकते हैं, गुड़ और चना का आप दान करें 11 रविवार तक, 11 संडे आपको गुड़ और चना का दान करना है। अरे यार, चना गुड़ और चने का भी दान करें और आपको 11 रविवार तक करना है। और रेमेडी आपको बताता हूं और क्या करना है, उगते हुए सूरज का एक चित्र, एक पिक्चर लेना है और अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूरब की दिशा में आप उसको लगा लें, उगते हुए सूरज का एकदम बहुत ही सुंदर एकदम, उस तस्वीर को अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इसे आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, अगर आपका व्यापार स्थल है तो वहां भी लगा सकते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपका है तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और अपने घर की पूर्व दिशा को वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ठीक रहे,
वास्तु के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना। और आखिरी रेमेडी से गौर कर सकते, गुड़ और शहद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, इससे भी आपका सन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अब बोलते हैं कि पूरा नाइन प्लैनेट्स में सूर्य जिसका मजबूत होता है तो उसकी छवि बरकरार रहती है। अब जितने भी राजनेता और नेता में या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बेनिफिट लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए, ये सारा रेमेडीज आपको काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे सेट करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।